29वां जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन हमीरपुर में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर संजय ठाकुर ने गूगल मीट के द्वारा किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 5 ब्लॉकों के 4 एक्टिविटी के 230 छात्र भाग ले रहे हैं, जबकि साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 169 छात्र सीधे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 47 छात्र सिलेक्ट किए जाएंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में साइंस क्विज में 100 में से 10, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 45 में से 3, साइंस एक्टिविटी कॉर्नर में 70 में से 15, साइंस मॉडल में 15 में से 3, साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 169 में से 16 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। छात्रों को एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए 27 अध्यापकों का गठन भी किया गया है, जो कि ऑनलाइन ही छात्रों की गतिविधि पर नज़र रखेंगे। जिला विज्ञान प्रवेक्षक सुधीर चंदेल ने बताया कि जिला स्तरीय विज्ञान सम्मेलन इस बार ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, इसलिए अध्यापकों की ड्यूटी भी तय की गई है। आज जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक श्री संजय ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में उपमंडलों से चयनित 4 एक्टिविटीज़ में जो बच्चे हैं वो भाग ले रहे हैं, तथा साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में जो सीधा ही जिला स्तर पे कंपटीशन हो रहा है उसके लगभग 180 बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इस तरह से पांचों एक्टिविटीज़ में 410 बच्चे जो हैं जिला के इस जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका समापन जो है वो 10 दिसंबर को जो है वो किया जाएगा। इस बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रश्नोत्तरी 5 वर्गों में, इसी तरह से एक्टिविटी कॉर्नर भी 5 वर्गों में, मैथमेटिक्स ओलंपियाड 3 वर्गों में जो है, और साइंस इनोवेटिव मॉडल जो है वो 1 वर्ग में जो है वो किया जा रहा है।